संडे चीट डे काय का चीट डे. नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन. संडे जैसे जैसे आता है ना, सैटरडे नाइट होते होते संडे की मॉर्निंग तक दिमाग में ऐसा चलता है कुछ हेल्दी मिल जाए, कुछ ऐसा सा मिल जाए जिससे क्रेविंग खत्म हो जाए. नाउ फॉर एग्जांपल, आप डाइट पे हो बट आपके घर वाले डाइट पे नहीं है और उन लोगों ने तो बाहर का कुछ मंगाया. आप देख देख के तरस जाओगे. ना करते हुए भी हो तो आप ह्यूमन ना, एक आधा हाथ तो चला ही जाएगा ना. और घर वाले तो आपसे प्यार करते ही हैं तो वो कहेंगे एक बाइट से कुछ नहीं होता, खा लो. तो कुछ ना कुछ तो आप भी खाओगे ना. सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो वेट लॉस जर्नी है वो होल्ड पे चला जाता है या फिर हमारा वेट लॉस जो जर्नी है वो धक्के मार मार के चलता है और मज़ा भी नहीं आता. और एक पॉइंट पे हमारा जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है. जी हम एक तो खाना ना खाएं अपने मनपसंद का, ऊपर से ये वेट स्टक हो चुका है, मैं तो नहीं कर रही. ऐसा नहीं करना. सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक संडे चीट मील रेसिपी जो कि आप लोग भी खाओ, आप अपने घर पे बनाओ ताकि घर वाले बाहर का सामान ना ऑर्डर करें और आपकी क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाए, घर वालों की क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाए और उसके साथ साथ आपका वेट लॉस जो जर्नी है वो भी हिले ना, डगमगाए ना. ठीक है जी. सो ये रेसिपी क्या है, कैसे बनाना है, हम चलते हैं किचन में. ओके जी. सो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे साबुदाना. साबुदाना वड़ा हम बना रहे हैं सबसे पहला. और ये है साबुदाना, इसको मैं अच्छे से वॉश करूंगी पहले तो खूब अच्छे से. और यहाँ पे इसको निकाल लेंगे. ओके. सो अब धुले हुए साबुदाना को मैं सोक करूंगी पानी में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए और इसको अब मैं साइड कर दूंगी बिल्कुल. ओके जी. यहाँ पे मेरे पास है दो आलू जिसको मैंने खूब अच्छे से मैश कर लिया है. चलिए परफेक्ट. ओके. अनदर पार्ट इज ये है मेरे पास कपड़ा और ये है मेरा सोक किया हुआ साबुदाना, ये मैं इसमें डाल दूंगी. सारा एक्स्ट्रा जो वाटर है ये मैं निकाल दूंगी इधर. ओके जी. सो नेक्स्ट इज ये रहा मेरा सोक किया हुआ, अच्छे से वॉश किया हुआ साबुदाना, इसमें मिक्स कर देंगे जी. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा प्याज और शिमला मिर्ची. काफ़ी लोगों को शिमला मिर्ची से एलर्जी है सो यहाँ पे शिमला मिर्ची मैं आपकी मर्जी आप हटा सकते हो बट मैंने यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्ची डाल दिया है. नेक्स्ट इज इसके अंदर अब मैं डालूंगी बहुत सारे मसाले क्योंकि ये चीट मील है सो हम इसमें थोड़ा बहुत सामान ऐड करेंगे. आ जाओ जी. सो सबसे पहले जाएगा इसके अंदर नमक एज पर योर टेस्ट. बढ़िया. नेक्स्ट सूखा धनिया पाउडर, आपको पता मैं हर चीज़ में डालती हूँ. हिंग पाउडर, कस्तूरी मेथी और इसमें हमने डालना है भुना हुआ जीरा पाउडर. नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरे पास है पेरी पेरी मसाला. मैं जब चीट मील का खाना बनाती हूँ उसमें डालती हूँ मैं पेरी पेरी मसाला. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी थोड़ी बहुत सीजनिंग. पेरी पेरी उसमें ख़त्म हो गया था तो मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रही हूँ. ओके. नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरे पास है सीजनिंग, मिक्स हर्ब सीजनिंग. सो वो भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो अगर आपके पास है तो. लाल मिर्ची पूरा ठोक के मत डाल लेना चीट मील समझ के, पूरे हफ्ता आपको दिक्कत पड़ जानी है, बॉडी में इतनी गर्मी हो जानी है उससे. सो ये मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर दिया. खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे. वेरी गुड. ओके जी. सो यहाँ पे अब हम बनाएंगे इनके साबुदाना वड़ा. क्वांटिटी आपके ऊपर है, बिल्कुल फ्लैट टिक्की कर देंगे हम इसकी परफेक्ट शेप. सी ओके जी. सो ये रहा मेरा ग्रिलर. आपके पास कोई भी नॉनस्टिक तवा हो आप उस पर बना सकते हैं. इसके ऊपर मैं हल्का सा यहाँ पे घी लगा रही हूँ. तलना नहीं है इसको ना, हम तलेंगे नहीं. अब हम इस पर ये अपना साबुदाना वड़ा जो है वो सिकाई करेंगे खूब अच्छे से. ओके
तो इसको अब हम पलटने की कोशिश करते हैं। गुड 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 गुड। सो अब हम इसको कवर करेंगे, ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। इसको ढक के सिम आंच पे पकाएंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए एवरी साइड। बढ़िया। ओके, सेकेंड अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा चीट ऑप्शन सूजी टोस्ट, आलू सूजी टोस्ट। ये है मेरे पास आलू उबले हुए 2। इसको खूब अच्छे से हम मैश कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी मेरे प्याज कटे हुए। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी 1 चम्मच जितनी सूजी। एक और चम्मच डाल देते हैं जी। परफेक्ट। नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरे पास है घर की बनी हुई हरी चटनी, 1 चम्मच, एक और चम्मच। इन सबको अब हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके, यहाँ पे मेरे पास है ब्राउन ब्रेड, इसके ऊपर अब मैं ये मिक्सचर जो है यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। ओके जी, सो यहाँ पे मेरा ग्रिलर जो है वो गर्म हो चुका है खूब अच्छे से। और अब मैं ये हमारे हैंड ग्लव्स हटा दूंगी। मेक श्योर आप इसको ग्रिल तवे पे ही बनाएं। ओके, या फिर आप इसको किसी नॉन स्टिक तवे पे बनाएं, क्योंकि इसको पलटना थोड़ा सा टास्क है। बढ़िया, नहीं चिपका। तो ये रहे हमारा टोस्ट, एंड ये बिल्कुल रेडी है सुबह सुबह की गर्म चाय के साथ के लिए। वेलकम बैक जी। सो ये जो रेसिपी है आप खाओ, अपने घर पे सबको खिलाओ, और मेक श्योर मिर्ची मत डालना, मिर्ची मत डालना। मिर्ची से बहुत सारे नुकसान होते हैं बॉडी को, वो क्या होंगे वो मैं एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगी। बट मिर्ची को काटा करना, घर की होममेड चटनी के साथ खाना, बाहर की रेड केचप या फिर बाहर की कोई भी सॉसेस में ऑनियन उनके साथ बिल्कुल मत खाना। गर्मा गर्म चाय और आपका दिस साबुदाना वड़ा और साथ में हमारा ब्रेड टोस्ट या आलू टोस्ट, आहा यम्मी कॉम्बिनेशन। सो या दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। और नेक्स्ट संडे को ना यही चीज़ बना के अपनी जो क्रेविंग्स है उनको शांत करना और घर पे सबको खिलाना। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। सो आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो टेक केयर जी, बाय बाय।